सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। खबर अलीगढ़ से है, जहां सासनी गेट इलाके के कृष्णनगर में बीमारी से तंग आकर महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं मृतका के परिजनों ने बताया कि महिला को दौरे पड़ते थे, जबकि इससे पहले भी महिला कई बार आत्महत्या का प्रयास कर चुकी है, लेकिन आज उसने खुद को अकेला पाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने युवती के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ये जो है एकदम दौरे पड़ते हैं इसे, और दौरे में जो है हम कपड़े फाड़ना, अपने आप को मारना, फांसी लगाना, ऐसी घटना जो 2-3 दफ़े हो चुकी है। आज जो है होना था ऐसा। आज क्या किया है? आज इन्हें फांसी लगाई है। कितने दिन चल रहा था ये मामला? है कितने दिनों चल रहा था ये जो है, लगभग दवाई चलते हुए 15-16 साल हो गई है इसे, इसकी बराबर दवाई। क्षेत्र के गांव किलपुर में कुछ लोगों को भंडारा कराना महंगा पड़ गया, जिसमें मधुमक्खियों के हमले में एक अधेड़ व्यक्ति की जान चली गई। वहीं मधुमक्खियों के काटने से गांव के कई अन्य लोग जख्मी हो गए हैं। ग्रामीणों ने आपबीती सुनाते हुए बताया कि मधुमक्खियां इस कदर हावी थी कि कहीं छुपने की भी जगह नहीं मिली और ना ही भागने का मौका मिला। जैसे तैसे लोगों ने अपने आप को सुरक्षित स्थान पर पहुंचकर खुद को बचाया। वहीं गांव में अचानक घटित हुई इस घटना के बाद दहशत का माहौल व्याप्त है। मंदिर पर भंडारो श्री नाम शरणम आश्रम है किलपुर में, वह भंडारो भंडारे में दावत चले, जैसे भंडारो चलेगा तो एक मक्खियों को झुंड, पहाड़ू मक्खी जैसे कहते हैं, उसकी वजह से मक्खी वहाँ में मंदिर में आ गई। अंदर जो आदमी जो काम कर रहे थे सब में भगदड़ मच गई और आदमी बहुत खाए, और जिनसे हमारी ताउन की मृत्यु हो गई। अच्छा, उनको भी खा लिया था वो? उन्हें भी बहुत खाए, मुँह में नाक में सब में भर गई थी। करीब कितने लोग मधुमक्खियों ने खाए? मक्खियों से कम 20 आदमी घायल हो गया, तो सब खेतों में भगने लगे एक साथ। गांव में एक भंडारा होता, बाबा गुजर गए थे यहाँ आश्रम पे, तो भंडारा हो रहा था, तो वो भंडारे में एक मधुमक्खियों का झुंड आ गया, जिससे मतलब वो काटने लगा लोग जो जहाँ पे वो थे मौजूद, तो भगदड़ मच गई और कम से कम 50-60 लोग घायल हो गए, इधर उधर भागने लगे, और उसमें मतलब ये हमारे ताऊ जी हैं हरी सिंह, उनकी मृत्यु हो गई वहीं पे मौके पे। अच्छा, बाकी घायलों को कहीं भेजा गया कोई? हाँ, वो जट्टारी अस्पताल, कुछ अलीगढ़ गए हैं। मतलब अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी इलाके के सराय हकीम चावड़ वाली गली में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव घर की तीसरी मंजिल पर बंद कमरे में मिला। मृतक के परिजन तीर्थ स्थल पूर्णागिरी गए हुए थे, जिसके बाद परिजनों ने घर वापस जाने पर कमरे का दरवाजा खोला तो उन्होंने युवक का शव फंदे से लटका देखा। वहीं इस पूरे मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जांच पड़ताल में जुट गई है। क्या नाम था इनका? रवि कुमार था, 28-29 साल उम्र थी, मेरा सगा भतीजा था। क्या घटना हुई आज? ये काम धंधा करता नहीं था, इसी वजह से इसके बच्चे चले गए थे। एक लड़का भी हुआ था ससुराल में जाकर, लेकिन वो बच्चे आए नहीं। एक बार आए थे, केस लेके आए थे, केस डाला था, तो वो इसका लड़का मैंने अपनी गोद में भी लिया था, तो उनने यही कह दी कि मुझे किसी से शिकायत नहीं है, मुझे मेरे आदमी से शिकायत है। अच्छा, ये बताइए कि हुआ क्या? परिवार वाले कहाँ थे जब इन्होंने फांसी? परिवार वाले ये पुन्नागिरी दर्शन के लिए गए थे। अच्छा। और एक कल बांसोड़े पे इसने पैसे लूटे थे, कल से ही दारूबाजी नशाबाजी कर रहा था। फांसी का कारण पता लगा है क्या? फांसी क्यों लगाई है आप लोगों? ये पता नहीं, शायद यही हो सकता है इसके बच्चे। खबर एटा से है, जहां जनपद मुख्यालय पर शांति व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस प्रशासन द्वारा पैदल मार्च किया गया और आमजन को सुरक्षा का एहसास कराया गया। आपको बता दें कि त्योहार एवं चुनावी दौर में अराजक तत्वों को कड़ा संदेश देने के लिए गोदाम चौकी प्रभारी रितेश ठाकुर द्वारा ये पैदल मार्च निकाला गया।
खबर फरीदाबाद से है, जहां प्रदेश सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने के लिए 31 मार्च तक का समय दिया है। जो भी 31 मार्च तक टैक्स जमा करवा देगा उस पर विभाग द्वारा लगाया गया ब्याज माफ हो जाएगा। 10 लाख रुपए तक के टैक्स पर सरकार ने 100% ब्याज माफ करने का निर्णय लिया है और उससे ऊपर के करदाता उस दायरे में नहीं आएंगे। नगर निगम के अधिकारियों का दावा है कि अभी तक 60% टैक्स सरकार के खाते में जमा हो चुका है और 31 मार्च तक ये है कि 100% तक पहुंच जाएगा। जॉइंट कमिश्नर साहब, रिकवरी तेज चल रही है, 31 मार्च लास्ट डेट है हाउस टैक्स की, क्या माना जाए, कितनी रिकवरी हो गई होगी और कितनी रिकवरी अभी बच रही है? आपके माध्यम से आम जन तक मैं जानकारी पहुंचाना चाहता हूं कि जो प्रॉपर्टी टैक्स पे पीछे का किसी का बैलेंस है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है उससे छूट की अवधि 31 मार्च तक की है। सरकार ने जो ये निर्धारित किया है छूट के लिए, तो 31 मार्च तक है, तब तक आप पीछे के किसी भी बैलेंस पे कोई टैक्स कोई इंटरेस्ट नहीं लगाया जाएगा। तो आम जन इस सुविधा का फ़ायदा उठा के अपना जितना भी प्रॉपर्टी टैक्स का बैलेंस नगर निगम का 60% टैक्स जमा हो चुका है। फरीदाबाद से खबर सामने आ रही है, जहां पे टैक्स कलेक्शन के लिए ये नई मुहिम चलाई जा रही है। खबर फरुखाबाद से है, जहां लगभग 23 वर्ष पूर्व हुई हत्या के मामले में पूर्व प्रधान मोनू राठौर समेत 7 अभियुक्तों को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बता दें कि न्यायाधीश कृष्ण कुमार ने सभी आरोपियों को आजीवन कारावास के साथ शरद उर्फ मोनू राठौर और दीपू पर लगाया 1 लाख का जुर्माना और शेष आरोपियों पर 50,000 का अर्थदंड भी लगाया है। देखिए, ये मामला सन 1999 का है, थाना मोहम्मदाबाद में ये मुकदमा लिखा गया था, धारा 147, 148, 149, 452, 307 में। ये कैसिंगपुर का मामला था, इसमें अभियुक्तगण 7 लोग थे, जिसमें मुख्य अभियुक्त थे शरद उस छोटे भैया जो कैसिंगपुर के थे, उनके चचेरे भाई दीपू और उनके संगी थे अवधेश, जागेश्वर, रामेश्वर और रामसेवक, ये बगल के गांव हैं जो निशाई है वहाँ के थे। इन्होंने मुकदमावादी जो थे शामवीर सिंह उनके घर में घुसकर लाठी डंडों से मारा पीटा था और मोनू ने अपने पिता की लाइसेंसी राइफल से और दीपक उस दीपू ने भी अपने पिता की लाइसेंसी राइफल से मृतक जो सुखेन था उसे गोली मारी थी और घटना के तीसरे दिन उसकी खबर गाजियाबाद से है, जहां विजयनगर में नाले के निर्माण कार्य में डीएवी स्कूल की एक दीवार भरभराकर गिर गई, जिससे 3 मजदूरों की मौत हो गई। बता दें कि जिन ठेकेदारों ने इस नाले को बनाने का ठेका नगर निगम से लिया था, पुलिस ने उनके नाम पता लगा लिए हैं और जल्द उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 2:30 बजे हमारे विजयनगर थाने पर सूचना मिलती है कि डीएवी पब्लिक स्कूल चौकी प्रताप विहार के पास एक दुर्घटना हो गई है, जिसमें कि एक नगर निगम का नाले की खुदाई हो रही थी और उसके बगल में जो स्कूल की बाउंड्री थी वह नाले की खुदाई के कारण उसमें गिर गई है, जिसकी वजह से वहां पे लगभग 11 लोग काम कर रहे थे, उसमें से 5 मजदूर इसके अंदर दब गए हैं। सूचना पाते ही मौके पर तत्काल विजयनगर पुलिस आती है और यहाँ पर हमने रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया था और यहाँ पर हमारे फायर टेंडर और एम्बुलेंस की भी गाड़ियाँ आ गई थी, जिसमें से 5 मजदूर हमको जो दबे मिले थे उसमें से 3 मजदूर मृत अवस्था में हमको मिले हैं और 2 मजदूर अभी जिंदा हैं, जिनको कि MMG हॉस्पिटल उपचार। खबर गाजियाबाद से है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 बदमाश घायल हो गए। बता दें कि घायल बदमाशों ने लोनी बॉर्डर इलाके में दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड दरोगा जयवीर सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके चलते ये दोनों बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही पुलिस ने दोनों बदमाशों से देसी तमंचा और 1 अपाचे मोटरसाइकिल भी बरामद की है। पुलिस मामले में हत्या के बाकी आरोपियों की तलाश कर रही है। एक घटना हुई थी राजनगर कॉलोनी थाना लोनी बॉर्डर में, जिसमें रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस के थे, उनकी जयवीर सिंह जी, उनकी हत्या कर दी थी कुछ लोगों ने, उनके घर में
आए थे। पहले वहाँ कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ था, उसके उपरांत वो लोग वहाँ पर आए और कई लड़के वहाँ पर पहुँचे और उनके चेहरे पर, उनके जबड़े पर गोली मारी, जिससे उनकी अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई थी। उसी प्रकरण में लगातार हमारी टीमें काम कर रही थी कल रात से, थाने की टीम और SOG देहात, और इसमें बहुत ही अच्छी सफलता प्राप्त की है क्षेत्राधिकारी लोनी एवं उनकी सभी टीम ने, कि बहुत ही अल्प समय में हम उनको 24 घंटे के अंदर हम लोगों ने उनको ट्रेस किया, और जब उनको ट्रेस कर रहे थे उसी दौरान उन लोगों ने पुलिस पार्टी पर हमला किया, और जिसके जवाबी फायर में दो बदमाश जो थे, बाइक पर सवार थे दोनों, उन दोनों के पास से तमंचे मिले हैं, और जवाबी फायरिंग में जब उनको पैर में दोनों के गोली लगी है। खबर बहराइच से है, जहां पर जिलाधिकारी कार्यालय में पोषण पखवाड़ा के तहत जिलाधिकारी ने कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में 5 गर्भवती महिलाओं की गोद भरी गई, तो वहीं 3 महिलाओं को अन्नप्राशन के तहत लाभान्वित किया गया। बहराइच जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र ने महिलाओं को पोषणहार की माला पहनाई, जिससे ऐसी सब्जियां थी जिसमें शरीर को आयरन, विटामिन और कैल्शियम प्रदान होता है। केंद्रों पर 6 साल तक के बच्चों की वृद्धि निगरानी, अर्थात उनका वजन भी तोला जाएगा, लंबाई और उनकी ऊंचाई भी नापी जाएगी, और उसी वजन की यदि कमी पाई जाती है तो उसको किस प्रकार से दूर किया जाएगा, इन सारी चीज़ों का सुझाव दिया जाएगा, बताया जाएगा। और लैंगिक संवेदनशीलता, जल प्रबंधन, जल संचय, सामुदायिक रूप से किस प्रकार से हम जल संचय को बढ़ावा दे सकते हैं, इस पर भी चर्चा की जाएगी। एनीमिया के प्रबंधन के रूप में गर्भवती धात्री माताओं और किशोरी बालिकाओं के एनीमिया की रोकथाम के संबंध में बताया जाएगा, उनको किस प्रकार से एनीमिया की गोली खिलाई जाती है, फोलिक। लखीमपुर खीरी में समाजवादी पार्टी के MLC प्रत्याशी अनुराग वर्मा का पर्चा खारिज हो गया है। लखीमपुर MLC चुनाव में 4 प्रत्याशियों ने पर्चे दाखिल किए थे। जांच में सपा प्रत्याशी और एक निर्दलीय प्रत्याशी का पर्चा जांच में खारिज हुआ। दरअसल नोटरी वकील का लाइसेंस नवीनीकृत नहीं था। BJP प्रत्याशी ने आपत्ति की कि सपा प्रत्याशी अनुराग वर्मा ने जिस नोटरी संजय सिंह से शपथ पत्र को प्रमाणित कराया है, उसका नोटरी का लाइसेंस नवीनीकृत नहीं था। न्याय की जीत हुई है, और जिस प्रकार से कूट रचित एफिडेविट नाम निर्देशन के लिए दाखिल किया गया था, वो आज न्याय की प्रक्रिया के अंतर्गत निरस्त कर दिया गया है, और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की जीत, जो कि पहले से ही सुनिश्चित थी, और बलपूर्वक मजबूत हो गई है। हमारा पर्चे में कोई कमी नहीं थी। मैं 11 बजे कलेक्ट्रेट में पहुंचा, जिलाधिकारी महोदय ने स्वयं कहा, वो अपनी बात से पलट गए हैं, अब उन्होंने स्वयं कहा कि दूसरे पक्ष से जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, उन्होंने एक आरोप लगाया, लिखित में दिया है कि आपके पर्चे में जो नोटरी ने दस्तखत किए हैं, उस नोटरी की लाइसेंस का रिन्यूअल नहीं है। मैंने जब DM साहब से पूछा कि ये हम लोगों को कैसे जानकारी होगी, तो उन्होंने कहा दूसरा एफिडेविट बना के जमा कर दीजिए, 3 बजे तक का समय है। भाजपा के नेताओं के सामने भी, सबके सामने सामूहिक रूप से जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि इस कंडीशन पे पर्चा निरस्त नहीं हो सकता। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए Prime TV। आप देख रहे हैं Prime TV, सच साहस सरोकार।